हेलो स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली सीयूईटी पीजी के जितने भी बच्चे हैं वो आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान है रिगार्डिंग द एग्जाम सेंटर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, आई थिंक दिस इज एन स्टेट, ओके, और मेरा जो तो सेंटर है एग्जाम का वो कोलकाता के अंदर आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये इश्यू है कि भैया हमने जो चार सेंटर्स डाले थे सीयूईटी पीजी एडमिट कार्ड के अंदर, फिर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जैसे मैंने कोई चार सेंटर डाले हो जैसे जयपुर, जोधपुर, सीकर और अजमेर, तो हमको कोई पांचवा सेंटर अलग ही मिल रहा है, यानी कि जो सेंटर हमने डाला ही नहीं था वो सेंटर हमको अलॉट हो रहा है। सो यार दिस इज़ द वेरी जस्ट लाइक बैड इंफॉर्मेशन एंड ये यार बहुत गलत है, लेकिन जस्ट आप लोगों को आपका एग्जाम जो है वो मिस नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऑलमोस्ट के एडमिट कार्ड जो है CUET.NTA.NIC पर जो रिलीज कर दिए गए हैं, आप जो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर से डाउनलोड कर लें और ट्राई करें कि आपका अगर एग्जाम सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो एग्जाम सेंटर है वो 600 600 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। यार 400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर अपन 30 किलोमीटर भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर होता है। अब आप देखो 400 किलोमीटर कितना दूर होता है। ओके, अगर मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ठीक है, तो पूरा सीकर घूमने में ही मेरे को तकरीबन जो आप ये मान के चलो कि 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। ओके, 70 तो नहीं 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। तो जिन भी स्टूडेंट का जो स्पेशली ये जो इश्यू आ रहा है वो यूपी के जो बच्चे हैं या फिर जो साउथ का जो एरिया है उधर से थोड़ा ज़्यादा कंसर्न आ रहा है, उत्तराखंड एंड अदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि मैंने हिमाचल का डाला था एड्रेस वगैरह जो भी था, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट डाले थे, और मेरा जो स्टेट जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उत्तराखंड में आ रहा है। सर ये काफ़ी गलत हो रहा है। अब आप जितने भी बच्चे हो स्पेशली CUET PG वाले, आप लोगों को जो अपना एग्ज़ाम